जय हिंद प्रतियोगी साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ई पाठशाला में। जुड़ते हैं आपसे एक और लाइव क्लास के माध्यम से। तो फटाफट सभी लोग जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी एक बार याद दिला दीजिए। जो लोग सो गए हों कोई बात नहीं, सर्दी का मौसम है, इतना तो चलता है सबके लिए। तो आज की क्लास नमस्ते प्रियंका जी, नमस्ते सलोनी जी। तो जो क्लास चल रही है वर्तमान में, तो भैया पढ़ाई की क्लास नहीं चल रही है, वो किसकी चल रही है, खेल कूद की क्लास चल रही है। तो बिल्कुल खेल कूद के टॉपिक्स को हम लोग पढ़ रहे हैं। नमस्ते नामिका जी, स्वागत है आपका क्लास में। तो आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं बताते रहिएगा भैया। नमस्ते धीरज जी, स्वागत है आपका क्लास में। जय हिंद नीरज जी, स्वागत है आपका क्लास में। तो धीरज सर आज उपस्थित हैं शायद हम लोगों के साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज हम लोग तीन टॉपिक हमने फिर से एक बार बनाए हैं। जैसे पिछले दिन हम लोगों ने ट्रॉफीज़ वगैरह को पढ़ा था, तो उसी तरह से आज हम लोग ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और एशियाई खेल, इन तीनों को लेंगे। उसमें आज सबसे पहले आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं अपने ओलंपिक टॉपिक को। काफ़ी बड़ा टॉपिक है, अक्सर इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम लोग ओलंपिक टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं बहुत अच्छे से। काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग और नए नए फैक्ट्स आपको मिलने वाले हैं। तो पूरी क्लास रेगुलर रहिएगा, और अगर नेट वगैरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बाद में पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, और सबसे पहले देखते हैं ओलंपिक खेल। तो ओलंपिक खेलों से आपसे दो तरह से क्वेश्चन पूछेगा। एक क्वेश्चन पूछता है आपसे प्राचीन ओलंपिक खेल, और एक क्वेश्चन पूछेगा आधुनिक ओलंपिक खेल। तो सबसे पहले क्लियर करेंगे हम लोग प्राचीन ओलंपिक खेलों को। तो प्राचीन ओलंपिक खेलों के टाइम को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है भैया, क्योंकि प्राचीन ओलंपिक खेल जो शुरू हुए थे वो ईसा पूर्व में शुरू हुए थे। दो टाइप की डेट्स होती हैं, एक होती है आपकी ईस्वी सन मतलब ईसा के बाद की डेट्स, और एक होती हैं ईसा से पूर्व मतलब ईसा जो ईस्वी सन चला है उससे पहले की डेटें। तो ये जो खेल शुरू हुए वो आपके बिल्कुल ईसा पूर्व में शुरू हुए थे, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले शुरू हुए थे। जो ईसाइयों के भगवान हैं ईसा मसीह, उनके जन्मदिन से, उनके से जो सन चला था आपका, उसको हम लोग कहते हैं ईसवी सन। और उस ईसवी सन से भी पहले की जो डेटें होती हैं उसको हम लोग ईसा पूर्व कहते हैं। तो इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो प्राचीन ओलंपिक खेल शुरू हुए ये कितने साल पहले शुरू हुए थे, 776 ईसा पूर्व। तो इनकी शुरुआत हुई थी 776 BC में, या फिर अगर वैसे हिंदी में लिखा हो तो 776 ईसा पूर्व में। तो बहुत अच्छे से ध्यान देना है इस शब्द पर, बहुत ध्यान देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको अक्सर कंफ्यूज करेगा, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा आता हुआ क्वेश्चन, और आप क्या हो जाएंगे भैया, फिर बाद में परेशान होंगे कि मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। तो इस चीज़ की बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तो प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी 776 ईसा पूर्व में, और किस लिए शुरुआत हुई थी भैया, जो वहाँ के देवता थे ज्यूस, तो ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में ये खेल प्रारंभ किए गए थे 776 ईसा पूर्व में। कितने कितने समय पर होते थे, प्रत्येक 4 वर्ष पर होते थे, तो चार चार वर्ष के बाद होते थे। नमस्ते कल्पना जी, नमस्ते लक्ष्मी जी, नमस्ते मधुलिका जी, सभी लोगों का स्वागत है क्लास में। तो प्रत्येक चार चार वर्ष पर ये हुआ करते थे और होते रहे काफी समय तक। नमस्ते वंश जी, स्वागत है आपका क्लास में। होते होते भी ये एक समय जब इनको बंद कर दिया गया। तो प्रारंभ कब हुआ था, 776 ईसा पूर्व में और 393 BC में हुए अंतिम खेल, और उसके बाद आपका 394 BC में इनको बंद कर दिया गया। किसके आदेश पर बंद कर दिया गया, थियोडोसिस। तो राजा थियोडोसिस थे रोम के राजा, उन्होंने क्या कर दिया, एक आदेश दिया कि इन खेलों को बंद कर दिया जाए। अब कहते हैं कि ओलंपिक खेलों, ओलंपिक किस पे पड़ा, तो चूंकि ये पहली बार ओलंपिया पर्वत पर खेले गए, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है, तो ओलंपिया पर्वत पर खेले जाने के कारण इनका नाम क्या पड़ा, ओलंपिक पड़ा। तो ओलंपिक खेल हुए कहाँ पर सबसे पहले, तो ग्रीस या यूनान, जो एक देश है आपका ग्रीस देश, या उसको हम लोग यूनान भी कहते हैं, उसकी राजधानी एथेंस में। तो
कई तरह से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ओलंपिक खेल कहाँ पर हुए? एथेंस में हुए। किस देश में हुए? तो ग्रीस या यूनान में हुए। अगर आपसे पूछा जाए कब हुए, तो प्राचीन ओलंपिक खेल 776 BC में हुए। ये कब हो गए? तो 393 BC या 394 BC के बाद ये बंद हो गए। तो ये खेल क्यों खेले जाते थे भैया? राजा जो देवता ज्यूस थे उनके सम्मान में, और बंद क्यों कर दिए गए? राजा थियोडोसिस के आदेश पर, रोम के राजा थियोडोसिस ने आदेश दिया और इन खेलों को बंद कर दिया गया। तो बहुत ही पुराना रिश्ता है इंसानों का खेल के साथ। अब ये खेल दोबारा कब शुरू हुए? तो डेट आपके सामने भैया, आधुनिक ओलंपिक खेल जो शुरू हुए 1896 में, कहाँ पर शुरू हुए? इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल वही आंसर होगा आपका, एथेंस। तो एथेंस में आपके दोबारा फिर से 1896 ईस्वी में ये खेल पूरा प्रारंभ हुए। तो इन खेलों की शुरुआत, अंत और फिर शुरुआत, ये आपको डेट्स बहुत अच्छे से याद रखनी है, 776 BC और 393 BC, इसके साथ साथ आपका 1896 ईस्वी। तो 1896 ईस्वी में आपके आधुनिक ओलंपिक खेल पुनः प्रारंभ हुए, कहाँ पर भैया? एथेंस या यूनान में। तो आधुनिक ओलंपिक खेलों को शुरू करने वाले एक व्यक्ति थे, उन व्यक्ति का नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा, कौन थे आपके? बैरेडी कोबर्टिन। तो बैरोन पियरे डी कोबर्टिन, या केवल कोबर्टिन याद रखो तो आपका काम चल जाएगा, पियरे डी कोबर्टिन भी याद रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आधुनिक ओलंपिक खेलों के जो जनक थे वो आपके बैरोन पियरे डी कोबर्टिन थे। पूछा जाए आपसे किस देश के थे, तो ये आपके फ्रांस के थे। तो बैरोन पियरे डी कोबर्टिन ने 1896 में क्या करा भैया? दोबारा ओलंपिक खेलों का आयोजन करवाया, जिन्हें हम लोग आधुनिक ओलंपिक खेल भी कहते हैं। इन्होंने क्या करा, एक संस्था की, एक समिति की स्थापना करी, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक या फिर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के संस्थापक, तो दोनों का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बैरोन पियरे डी कोबर्टिन। इन्होंने इसकी स्थापना कब की थी? अगर आपसे डेट पूछ लिया जाए तो 1894 पहले ओलंपिक खेल, जो आधुनिक ओलंपिक खेल हुए हुए तो 1896 में, लेकिन इस समिति की स्थापना कब की गई? इससे 2 साल पहले की गई थी। तो इसमें आपको एक बार आप लोग आंसर करके बताएं भैया कि ओलंपिक कितने कितने साल पर होते हैं? 2 साल के अंतर पर, 4 साल के अंतर पर, 6 साल के अंतर पर, या 5 साल के अंतर पर? तो जो ओलंपिक खेल हैं वो कितने कितने साल के अंतर पर होते हैं? आप लोगों के आंसर आना स्टार्ट हो गए हैं। आभास जी, मधुलिका जी, कल्पना जी, नीरज जी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ लिया हमने? चलो कोई बात नहीं है। अनामिका जी, मैनल जी, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका क्लास में। तो बिल्कुल भैया सबको पता है, 4 4 साल के अंतर पे होते हैं, इसमें किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। तो जो प्राचीन ओलंपिक खेल हैं 776 BC में प्रारंभ हुए थे, 393 BC में बंद कर दिए गए थे। कहाँ पर हुए थे? एथेंस में, ग्रीस या यूनान देश में। कौन सा पर्वत यह ओलंपिया पर्वत पर, इसी कारण इनका नाम ओलंपिक पड़ गया। और अगर शताब्दी पूछी जाए तो 8वीं शताब्दी से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक ये गेम हुए थे। किसके सम्मान में? देवता ज्यूस थे, ग्रीक देवता, उनके सम्मान में बंद क्यों कर दिए गए? राजा थियोडोसिस के आदेश पर। इसके बाद पुनः ये खेल शुरू हुए, 1894 में एक संस्था की स्थापना करी पियरे डी कोबर्टिन ने भी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की और खेलों का प्रारंभ किया 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेलों का। अब ये जो समिति की स्थापना करी थी कहाँ पर की थी भैया? सखोन में, सखोन नाम की जगह है, स्थापना सखोन में करी थी। और इसका जो मुख्यालय है वो आपका कहाँ पर है? लुसाने स्विट्जरलैंड में। तो लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय बनाया गया और इसकी स्थापना किस जगह पर की गई थी? सखोन में की गई थी। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें समिति के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो इस समिति के पहले अध्यक्ष कौन थे आपके? डिमिद्रियास विकेलास। तो डिमिद्रियास विकेलास जो है, इनका नाम थोड़ा सा ध्यान रखना है, वैसे इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और कभी कोई क्वेश्चन बन गया आपका तो फिर गलत नहीं होगा। तो ये यूनान देश के हैं, ये पहले अध्यक्ष थे 1894 तक। तो ये डेट्स आपको बहुत अच्छे से कंफर्म करते चलना है, 776, 393, 1896, 1894। तो 1894 में एक समिति की स्थापना करी कोबर्टिन ने और 1896 में क्या करे, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई है। यहाँ तक चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो भैया कमेंट कर देना, बिल्कुल इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, ना यहाँ पर
ना ही क्लास में, क्योंकि अगर आप डॉक्टर को दिक्कत नहीं बताएंगे तो फिर वो इलाज कैसे करेगा आपका, है ना। तो चलिए आपको एक चित्र दिखा देते हैं। ये चित्र आप लोग जानते हैं भैया ये क्या है, कमेंट करके बताओ जरा एक बार। हम भूल गए, हमने काय की फोटो लगा दी है। तो ये किस चीज का चित्र है और इसमें कितने छल्ले दिख रहे हैं आपको? ये किस चीज का चित्र है भैया, जल्दी से कमेंट करें कुछ लोग, एक दो लोग तो कर दें कम से कम। नीरज इतने छल्ले दिख रहे हैं तुमको, 555 छल्ले, ओलंपिक का निशान। तो इसमें है आपके 5 छल्ले और ये क्या है? बिल्कुल सही आंसर है, ओलंपिक फ्लैग। ये ओलंपिक का झंडा है। ओलंपिक का झंडा जो होता है वो कुछ इसी प्रकार से दिखाई देता है। ओलंपिक ध्वज कहें हम लोग, ओलंपिक फ्लैग कहें, ओलंपिक का झंडा कहें, तो ये ओलंपिक का ध्वज है। तो एक क्वेश्चन इस ध्वज से ये बताया आपका कि ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले हैं, तो उसका आंसर तो आपको पता चल गया। अब ये तो आप कभी नहीं भूलने वाले हैं क्योंकि आपने इस छल्ले को देख ही लिया है। दूसरा क्वेश्चन आपसे बनेगा कि ओलंपिक ध्वज में कौन सा रंग उपस्थित है, कौन सा रंग उपस्थित नहीं है। तो भैया 5 रंग के तो छल्ले हो गए, एक ये रंग हो गया, एक ये रंग हो गया, एक ये रंग, एक ये रंग और एक ये रंग, इस तरह से ये 5 रंग के तो छल्ले हो गए। इन छल्लों का रंग यहाँ पर सही नहीं है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। एक ट्रिक देंगे हम लास्ट आपको, उस ट्रिक से आप रंग याद कर लीजिएगा। तो ये 5 रंग के छल्ले हैं और एक रंग इस ध्वज का है। तो अगर आपसे कभी कहता है रंगों के छल्ले के बारे में, रंगों के छल्ले जो वलय हैं उनके 5 रंग हैं और एक रंग वाइट रंग किसका है, जो इसकी पृष्ठभूमि है उसका रंग सफेद है। तो सफेद रंग का झंडा है। उसके बाद जो छल्ले हैं आपके उनका रंग आपको हम बता देते हैं लाल, बिल्कुल नाम लेके बता देते हैं, ये लाल रंग है, ये हरा रंग है दिख रहा होगा आपको, ये काला रंग है, और इसके बाद में आपका ये जो है ये कलर थोड़ा सा नारंगी सा दिख रहा है लेकिन इसको आप पीला रंग मानेंगे, ये पीले रंग का छल्ला है। और इसके बाद में जो आपका बिल्कुल 5 महाद्वीपों को प्रदर्शित करता है ये जो है ये नीले रंग का छल्ला है। तो लाल, हरा, काला, पीला और इसके बाद में आपका नीला, तो ये 5 रंग के छल्ले हैं। और ये किसको प्रदर्शित करते हैं आप लोगों ने बता दिया भैया, 5 महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं। अब महाद्वीप तो 7 हैं लेकिन कितने महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं? 5 को। तो ये कन्फर्म करेंगे हम लोग कौन कौन से महाद्वीप छूट जाते हैं उसको भी देखेंगे। इसके साथ में ये 5 रंग हैं, 5 महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं। इसकी जो पृष्ठभूमि है वो किस रंग की है? सफ़ेद रंग की है। तो ये आपको इस चित्र से प्रदर्शित हो रहा है, चित्र इसलिए दिखाया ताकि आपके माइंड में जो चीज़ें हैं कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं वो सेट हो जाएं एकदम अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं क्लास को, कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को आपके सामने लाते हैं। तो ओलंपिक के आदर्श, ओलंपिक आदर्श कौन कौन से भी, इसका उद्देश्य है, इसकी मशाल है और इसके पदक हैं। तो ये चीज़ें क्या हैं? ओलंपिक के आदर्श हैं, ध्वज, उद्देश्य, मशाल और पदक। इनसे संबंधित प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में बनते रहते हैं, तो उन प्रश्नों को हम लोग एक एक स्लाइड से क्लियर करेंगे, अच्छे से क्लियर करेंगे, बहुत अच्छे समझिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन आपके माइंड में तो उसको क्लियर कर लेना, बिल्कुल भी कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है माइंड में, ठीक है भैया। तो सबसे पहले किसको क्लियर करते हैं? ध्वज को क्लियर करते हैं। जिस ध्वज को आपने अभी चित्र में देखा उसी ध्वज के बारे में बात करने वाले हैं। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा गया भैया कि ये जो ओलंपिक ध्वज था इसको बनाने के लिए निर्देशन किसने किया था, तो इसको बनाने के लिए निर्देशन जो किया था समिति के जो संस्थापक थे ओलंपिक समिति के, या फिर जो आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक थे कोबर्टिन, उन्हीं के निर्देशन में इसका निर्माण किया गया था ध्वज का। और इसको पहली बार कब फहराया गया? 1920 के ओलंपिक खेलों में। ओलंपिक खेल कब से शुरू हुए ये बहुत अच्छे याद रखना, 1896 से, प्रत्येक 4 वर्ष में होते रहते थे ये। तो 1896 के बाद 1900, 1900 के बाद 1904, 4 के बाद 8, इस तरह से 1920 के जो ओलंपिक खेल थे कहाँ पर हुए? एंटवर्प में। तो एंटवर्प ओलंपिक खेलों में पहली बार जो आपका ओलंपिक ध्वज है उसको क्या किया गया? इसमें किस कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है? रेशमी कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी पृष्ठभूमि सफेद रंग की होती है। उसमें 5 वलय होते हैं जो 5 महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं। अब वो महाद्वीप कौन कौन से भैया?
जो काला महाद्वीप है जिसको हम लोग अंध महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं, कौन सा महाद्वीप है भी आपका? अफ्रीका। तो काला रंग किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? अफ्रीका को। फिर नीला रंग किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? यूरोप को। फिर लाल रंग जो प्रदर्शित करता है, किस प्रदर्शित करता है? अमेरिका को। हरे रंग का जो वलय है वो किसको प्रदर्शित करता है? ऑस्ट्रेलिया को। और पीले रंग का जो आपका वलय है वो किसको शो करता है? एशिया को। अब बात करें हम लोग यहाँ पर अमेरिका, तो अमेरिका के लिए सिर्फ एक ध्वज है, एक रंग है। अमेरिका उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के लिए अलग अलग जो रंग है वो नहीं है। तो सिर्फ लाल रंग का जो वलय है वो अमेरिका, पूरे अमेरिका महाद्वीप को प्रदर्शित करता है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के लिए अलग अलग कोई भी वलय नहीं है। तो काला, नीला, लाल, हरा और पीला ये रंगों के वलय हैं, और इन वलयों से जो महाद्वीप प्रदर्शित हो रहे हैं वो आपको बता दिए गए हैं। लास्ट में आपको एक ट्रिक दी जाएगी, उस ट्रिक के माध्यम से आप अच्छे से क्लियर कर लेंगे इन सभी चीज़ों को, ये ऐसा हम सोचते हैं। बाकी यदि कोई कंफ्यूज हो, कोई प्रॉब्लम करे तो बता देना भैया, है ना, तो आपको क्लियर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, एक तो जो ध्वज है किसके निर्देशन में बना? पियरे डी कोबर्टिन के निर्देशन में। पहली बार कब फहराया गया? तो 1920 एंटवर्प ओलंपिक में। फिर कितने छल्ले? तो पता चल गया। पृष्ठभूमि किस रंग की है ये भी पता चल गया। जो छल्ले हैं जिन जिन रंगों के हैं, किस महाद्वीप को प्रदर्शित करते हैं ये भी पता चल गया। और जो छल्ले किसको प्रदर्शित करते हैं ये तो आपको पहले से ही पता था, तो कोई दिक्कत ही नहीं रह गई यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके उद्देश्य के बारे में। तो इसका उद्देश्य क्या है भैया? सबसे पहले किसने बनाया इसका उद्देश्य? तो 1897 में। प्रारंभ कब हुए थे? 1896 में। उसके एक वर्ष बाद की बात है, 1897 में फादर डिडोन ने क्या रचा भैया? तीन लैटिन शब्द रचे। तो तीन लैटिन भाषा के शब्द कौन कौन से? सिटियस, ऑल्टियस और फोर्टियस। तो इन तीन शब्दों को क्या बनाया? इसका उद्देश्य बनाया। तो ये लैटिन शब्द हैं, इनका अर्थ आपको समझ में आएगा लेकिन ये शब्द समझ में नहीं आएंगे। तो सिटियस, ऑल्टियस और फोर्टियस, ये क्या है इसका उद्देश्य है? अगर ओलंपिक का उद्देश्य आपसे पूछा जाए, उद्देश्य क्या है? सिटियस, ऑल्टियस, फोर्टियस। तो सिटियस का अर्थ क्या होता है? तेज। अर्थ आप समझ सकते हैं इसका, सिटियस का अर्थ तेज, ऑल्टियस का अर्थ ऊंचा और फोर्टियस का अर्थ बलवान। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा भैया कि ओलंपिक का जो उद्देश्य है उसकी रचना किसने करी, किसने लिखा भैया इसका उद्देश्य? तो फादर डिडोन ने। कब लिखा? तो ये भी पता है भैया, 1897 में। तो ये जो उद्देश्य है वो किस भाषा में लिखा गया है? किस भाषा में लिखा गया? लैटिन भाषा में लिखा गया। लैटिन शब्द है, कितने शब्दों का उद्देश्य है? तो भैया तीन शब्दों का उद्देश्य है। अब आपसे पूछ लिया कि उद्देश्य में क्या है, तो सिटियस, अल्टियस और फोर्टियस। अब कहता भैया कि आर्टियस का अर्थ क्या है? तो अब ये याद कैसे रखोगे आप? या तो रट्टा मार लो या फिर थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि सिटियस यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? सिटी या फिर सिटी दिख रहा है। तो सिटी या सिटी, तो सिटी आप क्या करोगे? जोर से बजाओगे, तेज से बजाओगे। तो सिटी से सिटी या सिटी से सिटी याद रखो। तो सिटी हम लोग कमजोर बनाओगे या मजबूत बनाओगे? तो फोर्ट या किले को हम लोग कैसा बनाएंगे? मजबूत बनाएंगे, बलवान बनाएंगे। तो फोर्ट से बलवान और सिटी से तेज, तो सिटियस का अर्थ तेज और फोर्टियस का अर्थ बलवान, तो आरटीएस का अर्थ बचा हुआ क्या? ऊंचा। तो तीन अर्थ होते हैं आपके, सिटियस, ऑल्टियस और फोर्टियस, तेज और बलवान। तो ये इसका उद्देश्य है, किसका भैया? ओलंपिक के उद्देश्य। तो ओलंपिक का ध्वज, फिर ओलंपिक के उद्देश्य। कोई बात नहीं दिव्या जी, नमस्ते, स्वागत है आपका क्लास में। आप बाद में जो स्टार्टिंग क्लास है वो देख लीजिएगा, अभी क्लास से जुड़ जाइए जहाँ से हम लोग चल रहे हैं। तो इस उद्देश्य की जो औपचारिक शुरुआत करेगी वो कब करेगी थी भैया? 1924 पेरिस ओलंपिक में। तो 1920 में झंडा फहराया गया था, और 1924 में क्या किया गया था? उद्देश्य को औपचारिक रूप से शुरू किया गया था, अपनाया गया था। तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए याद करना कि जो पहला आदर्श है ध्वज उसे 1920 में, और जो दूसरा आदर्श उद्देश्य उसको कब? 1924 में शुरू किया गया। तो जो 1920 वाला था वो एंटवर्प में था, और जो 1924 वाला है वो कहाँ पर है? पेरिस में है। तो इस तरह से ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो सकती हैं अगर चीज़ों को जोड़ करके आप याद करेंगे। वैसे वास्तव में बहुत प्रॉब्लम करता है याद करना इनको, तो यदि नेट में प्रॉब्लम हुई है तो आप बाद में क्लास देख लीजिएगा, समस्या रहती है थोड़ा सा अपने नेट की, तो ऐसा कुछ थोड़ा सा फेस तो करना ही पड़ेगा। अगर मेरे में कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना सभी लोग। तो
तो बढ़ते हैं आगे हम लोग, उद्देश्य को क्लियर किया हम लोगों ने, अब देखते हैं हम लोग क्या इसके मशाल के बारे में। तो जो आपकी मशाल है, ओलंपिक मशाल है, तो इस मशाल के लिए भैया एक विशेष आयोजन किया जाता है। क्या आयोजन होता है भैया कि इस मशाल को, आयोजन जो ओलंपिक खेल होने हैं उससे कुछ दिन पहले ही किसी विशेष जगह पर जलाया जाता है। जैसे जो ओलंपिक खेल होते हैं प्रत्येक 4 वर्ष में होते हैं, अलग अलग देशों में होते हैं, तो अब जो मशाल है वो एक ही जगह पर जलाई जाती है। कहाँ पर जलाई जाती है? यूनान के ओलंपिया शहर में। तो किसी भी जगह पर हो, किसी भी महाद्वीप में हो ओलंपिक, लेकिन जो मशाल है वो कहाँ जलाई जाएगी? यूनान के ओलंपिया शहर में एक मंदिर है, हेरा मंदिर। उस मंदिर में वो भी गाय से माचिस वाचिस से नहीं जलाई जाती है, सूर्य के प्रकाश से जलाई जाती है। तो बड़ा ही स्पेशल इवेंट है ये। इस मशाल के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी है आपके लिए कि जो आपका ओलंपिया शहर में हेरा मंदिर में सूर्य के प्रकाश से इसको जलाया जाता है, जो मशाल है हमारी इसको प्रज्वलित किया जाता है। फिर ये किसी साधन के द्वारा नहीं पहुंचाई जाती है, जो ओलंपिक के खिलाड़ी वही क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी दूर तक पैदल लेकर के इसको दौड़ते हैं, और लेते हुए कहाँ पहुँचते हैं, इसको आयोजन स्थल तक ले जाते हैं। तो जो ओलंपिक की मशाल है उसको यूनान के ओलंपिया शहर से जलाया जाता है। किससे जलाया जाता है भैया? सूर्य के प्रकाश से, और आयोजन स्थल तक ले जाया जाता है। तो ये आप लोगों को पॉइंट एक तो नॉलेज के लिए याद कर लेना, साथ ही साथ अगर इससे कोई क्वेश्चन बनता है तो आपको ये याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन ये पूछे जा चुके हैं कि ओलंपिक मशाल को कहाँ पर जलाया जाता है, तो देश का नाम तो, शहर का नाम तो ओलंपिया, और इसके साथ साथ यदि मंदिर की बात हो तो हीरा मंदिर में। फिर किससे जलाया जाता है? तो सूर्य के प्रकाश में जलाया जाता है। और फिर किसके द्वारा ये ले जाई जाती है? तो जो ओलंपिक खिलाड़ी हैं उन्हीं के द्वारा थोड़ी थोड़ी दूरी दौड़ कर तय की जाती है, और दौड़ते दौड़ते ये पैदल रास्ते से ये कहाँ पहुँचती है आपके, जहाँ पर ओलंपिक हो रहे हैं वहाँ पर इस मशाल को ले जाया जाता है। अब बात करें इसकी शुरुआत कब हुई, तो ये भी बड़ा आसान है याद रखना ओलंपिक खेलों में। तो देखो एकदम करेंट एक साथ चीजें जुड़ गई। 1920 में क्या हुआ था? आपका एंटवर्प में खेल हुए थे, वहां पर ध्वज को अपनाया गया। 1924 में पेरिस में खेल हुए, वहां पर उद्देश्य को अपनाया गया। और मशाल की शुरुआत कहाँ पर की गई? 1928 एम्स्टरडम ओलंपिक से। तो एकदम क्रम से है 20, 24, 28। लेकिन इसकी आधुनिक स्वरूप की जो शुरुआत गई है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा 1936 बर्लिन ओलंपिक से। तो 1928 में इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि आधुनिक मशाल का जो आधुनिक स्वरूप है, मशाल की आधुनिक स्वरूप की शुरुआत कहाँ से है, तो 1936 के बर्लिन ओलंपिक से इसकी शुरुआत हुई है। और मशाल की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो 1928 एम्स्टरडम ओलंपिक से। तो मशाल के बारे में जो इंटरेस्टिंग फैक्ट था आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और इससे आप याद रखेंगे तो हो सकता है आने वाली परीक्षाओं में यदि कोई क्वेश्चन बना तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर सकेंगे। बढ़ते हैं, कुछ चीज़ें और क्लियर करते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसमें जो पदक, जो पुरस्कार मिलता है, तो पदक जो होता है भैया वो 60 mm वृत्त में होता है। 60 mm का एक वृत्त होता है, और इसकी जो मोटाई होती है वो कितनी होती है? 3 mm की होती है। तो 60 mm की गोलाई और 3 mm की मोटाई होती है इन पदकों की। तीन प्रकार के पदक मिलते हैं, एक स्वर्ण पदक, एक रजत पदक और एक कांस्य पदक। अक्सर आप सुनते होंगे भारत को इतने रजत पदक मिले, इतने कांस्य पदक मिले, या इतना स्वर्ण पदक मिले। तो ये जो स्वर्ण पदक होते हैं, किसको भैया जो प्रथम स्थान पाता है उसको स्वर्ण पदक, जो द्वितीय स्थान मिलता है उसको रजत पदक, और जिसको तीसरा स्थान मिलता है उसको कांस्य पदक मिलता है। मतलब एक तरह से ये माना जाता है जो पहले स्थान पर है उसको सोना दिया गया, दूसरे स्थान पर इसको चांदी दी गई, और तीसरे स्थान पर उसको कांसा दिया गया। लेकिन इन पदकों में कहा जाए सोना, चांदी या कांसा होता है, तो चलिए इसको भी क्लियर करते हैं। जो स्वर्ण पदक होता है उसमें 92.5% रजत होता है, मतलब 92.5% इसमें क्या होती है? चांदी होती है। उस पे क्या होता है? 6 ग्राम सोने की परत होती है। तो ऊपर ऊपर 6 ग्राम सोने की परत चढ़ाई जाती है, बाकी 92.5 ग्राम जो होता है चांदी होती है। फिर जो रजत पदक है उसमें 52.5 होता है, और जो कांस्य पदक है वो पूरी तरह से कांसे का होता है। कांस्य पदक पूर्णतः कांसे का होता है। रजत पदक में 92.5% रजत, और स्वर्ण पदक में 92.5% रजत, और 6 ग्राम क्या होता है आपका? सोना होता है।
तो इस तरह से आपके इन पदकों का निर्माण किया जाता है। इससे संबंधित क्वेश्चन आज तक कोई भी नहीं आया, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए, आपके इंटरेस्ट के लिए हमने पॉइंट्स बता दिए हैं। बाकी क्वेश्चन आपसे ये पूछे जा सकते हैं कि प्रथम पद वाले को, विजेता को कौन सा पदक मिलता है, द्वितीय पद वाले को, तृतीय पद वाले को कौन से पदक मिलते हैं। तो इनको आपको थोड़ा सा याद रखना है, वैसे तो आपको पता होगा, इसमें कोई बड़ी कठिन बात नहीं है। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात आती है वो होता है आपका ओलंपिक शुभंकर। तो इससे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, जब भी ओलंपिक खेल होते हैं तो शुभंकर से क्वेश्चन जरूर बनता है लगभग हर परीक्षा में। तो इस शुभंकर के बारे में जान लेते हैं। ये जो शुभंकर होता है वो क्या होता है, इंसान या जानवर की आकृति वाला एक चित्र लिया जाता है। तो ये चित्र होती है वो किसका चित्र होता है, किसी इंसान का हो सकता है, किसी जानवर की आकृति हो सकती है। इस आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, शुभंकर कहते हैं। और ये शुभंकर किसको प्रदर्शित करता है, उस देश की सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करता है। तो किसी भी देश की सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाता है ओलंपिक शुभंकर। अब इस शुभंकर की शुरुआत कब की गई, भैया 1968 मैक्सिको सिटी से इसकी शुरुआत की गई थी। तो 1968 ओलंपिक खेल हुए थे मैक्सिको सिटी में, वहां से ओलंपिक शुभंकर की शुरुआत की। ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा, बाकी 20, 24, 28 और 36 था, और 68 को थोड़ा सा और याद रख लेना है, तो ये आपका शुभंकर के बारे में पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न है तो भैया कमेंट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे, और किसी को कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो भैया कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तो महत्वपूर्ण बिंदुओं में सबसे पहले क्लियर करेंगे प्रथम ओलंपिक खेल। तो आपको पता है कब हुए थे, 1896 में हुए थे, तो क्वेश्चन बहुत आसान हो चुका है आपके लिए। अब ये कहाँ पर हुए थे ये भी आपको पता होगा, एथेंस में हुए थे। बात करते हैं इसमें कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया, तो 245 खिलाड़ियों ने भाग लिया था उन खेलों में। कितने देशों के ये खिलाड़ी थे, तो ये 14 देशों के खिलाड़ी थे। इसमें कितनी स्पर्धाएं हुई, तो इसमें टोटल 43 स्पर्धाएं हुई। तो 43 स्पर्धाओं में 14 देश के 245 खिलाड़ियों ने, जो पहले ओलंपिक खेल हुए 1896 में, उसमें भाग लिया था। फिर जो अभी हाल ही में हुए, अंतिम जो ओलंपिक खेल हुए वो कौन से क्रम के थे, 32वें ओलंपिक खेल हुए थे। कब हुए भैया, 2021 में। कहाँ पर हुए, तो टोक्यो में हुए, टोक्यो जापान में। जो 32वें, मतलब अभी जो हाल के ओलंपिक खेल हुए, उसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी थी, 11,090 खिलाड़ी। तो टोटल 11,090 खिलाड़ियों ने भाग लिया। अगर हम लोग बात करें कितने देशों से संबंधित थे, तो ये 206 देशों से संबंधित थे। टोटल कितनी स्पर्धाएं हुई, तो 399 स्पर्धाएं हुई। तो अब स्पर्धाओं की संख्या, देशों की संख्या और खिलाड़ियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, आप देख रहे हैं। इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाना है, जहाँ तक है आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो अभी हाल में ओलंपिक खेल हुए कहाँ हुए, कब हुए और कौन से क्रम के थे। बाकी ये संख्याएं आपको याद रखनी है, इनसे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ये सिर्फ आपके इंटरेस्ट के लिए हमने बता दिया है, बाकी इनसे कोई भी क्वेश्चन नहीं बनने हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं आगे कुछ और पॉइंट की। 1896 से जब शुरू हुए ओलंपिक खेल, क्या आज तक बंद हुए कभी भी, तो बिल्कुल 3 बार इन खेलों को स्थगित कर दिया गया, 3 बार ये खेल नहीं हो पाए। वो कौन कौन सा समय है, एक 1916 का, एक 1940 का और एक 1944 का। तो 1916, 1940, 1944, ये 3 सन आपको याद रखने हैं जब आपके ओलंपिक खेल आयोजित नहीं हो पाए। ऐसा क्यों हुआ था भैया, क्योंकि आपको इस समय पता है क्या चल रहा था, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। 1916 में प्रथम विश्व युद्ध के कारण और 1940 से 44 में आपके द्वितीय विश्व युद्ध के कारण ये खेल आयोजित नहीं हो सके थे। तो यदि इससे कोई क्वेश्चन आपका बने एग्जाम में, तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं कितनी बार ये खेल आयोजित नहीं हुए, 3 बार। कौन कौन सा सन है, तो एक प्रथम विश्व युद्ध के बीच का 1916 और दो द्वितीय विश्व युद्ध के 1940 से 1944 तक। तो कुल अवकाश जो हुए, टोटल 3 बार अवकाश हुए, 3 बार आयोजित नहीं हो पाए। सबसे ज्यादा किस देश ने आयोजित किया ओलंपिक खेलों को, तो भैया ये आपका अमेरिका है। इसने अभी तक कितनी बार, टोटल 4 बार इसका आयोजन किया है, एक 1904 में, एक 1932 में, 1984 में, 1996 में। तो टोटल 4 बार आयोजित करने वाला देश है अमेरिका, एकमात्र देश है जिसने सबसे ज्यादा बार ओलंपिक में आपका क्या किया, आयोजन किया है। अब इसमें बात करें, दिया आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि महिलाओं को पहली बार भागीदारी कब दी गई थी, तो ये 1916 पेरिस के ओलंपिक में महिलाओं को भागीदारी दी गई थी। तो महिलाएं जो है 1896 ओलंपिक में भाग नहीं ली थी,
भाग नहीं लेने का वो दिया गया था, लेकिन पहली बार जब भागीदारी इनको दी गई थी वो 1900 के पेरिस ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी हुई थी। यहीं पर आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देते हैं कि जब भी आपके ओलंपिक खेल प्रारंभ होते हैं तो उसमें ध्वज लेकर चलते हैं देश। तो जैसे इस बार जब 206 देशों ने भाग लिया 32वें ओलंपिक खेलों में, तो इसमें पहला और आखिरी स्थान फिक्स होता है। तो पहला और अंतिम स्थान जो होता है वो फिक्स होता है किसके लिए? तो यदि आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो पहला स्थान जो फिक्स होता है वो किस देश के लिए फिक्स होता है? यूनान के लिए। पहले स्थान पर किस देश के खिलाड़ी रहेंगे? यूनान देश के। और सबसे अंतिम जो जगह होती है, अंतिम जगह पर किस देश के खिलाड़ी रहेंगे? जो मेजबान देश होगा, जहां पर ओलंपिक हो रहे हैं उस देश के खिलाड़ी कहाँ पर रहते हैं? सबसे लास्ट में बाकी बचे हुए 204 देश वो इस क्रम में रहेंगे, दूसरे तीसरे क्रम में। और ये कौन सा क्रम होता है? ये अल्फाबेटिकल क्रम होता है। जैसे इंडिया है तो इंडिया जो है किसके बाद में आएगा? जो भी उससे पहले अल्फाबेट में जो भी देश आता है वो उस क्रम में रहेगा। तो मतलब पहले स्थान पर यूनान रहता है, अंतिम स्थान पर जो मेजबान देश है जिस देश में आयोजित होता है, और बीच में किस क्रम में होते हैं? अल्फाबेटिकल क्रम में, ए बी सी डी करके देशों के नाम आते जाएंगे और वो उस क्रम से देश के खिलाड़ी लगते जाएंगे। तो ये आपका एक क्रम होता है जो एक महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकता है आने वाली परीक्षाओं के लिए। हो सकता है ऐसा कोई क्वेश्चन बन जाए, तो ये आपको अपने माइंड में सेट रखना है। चलिए कुछ और चीजें जानते हैं। तो ओलंपिक में भारत का योगदान कब हुआ, भारत के कौन खिलाड़ी थे पहले, इसके बारे में जान लेते हैं। तो भारत ने जो पहला दल भेजा था भैया किस ओलंपिक खेलों में, 1920 के ओलंपिक खेलों में, कहाँ पर हुए थे? एंटवर्प में आयोजित हुए थे। कितने खिलाड़ी? 6 खिलाड़ी भेजे थे। तो 1920 में पहला ओलंपिक दल भारत ने भेजा था, जबकि भारत के पहले खिलाड़ी ने जिसने भाग लिया था वो कौन था भैया? नॉर्मन प्रेजर्ट। तो नॉर्मन प्रेजर्ट एक आंग्ल भारतीय थे, अंग्रेजी भारतीय मतलब आंग्ल भारतीय थे, जिन्होंने क्या किया था भैया? ओलंपिक में भाग लिया था। जबकि भाग लेने वाली पहली महिला कौन थी? मैरी लीला राव। तो इनके नाम आपको याद रखने हैं, अभी तक वैसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बना है, बट अगर कभी बन गया तो ये आपको ध्यान रखना है। जो पहले भारतीय थे नॉर्मन प्रेजर्ट थे, और पहली महिला जो थी मैरी लीला राव थी, जिन्होंने भारत की ओर से भाग लिया था। और भारत ने पहला दल जो भेजा था वो कब भेजा था? 1920 एंटवर्प में भेजा था। अब जैसे आपका एक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है वैसे भारत में ओलंपिक संघ है, तो भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपका पॉइंट, 1924 में की गई थी। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? सर दोराबजी टाटा थे। तो सर दोराबजी टाटा जो हैं वो ओलंपिक संघ के मतलब क्या हैं, आपके प्रथम अध्यक्ष हैं। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1924 में। तो ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, आपकी आने वाली परीक्षाओं में ये पॉइंट्स आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए ई ट्रिक देख लेते हैं आज की। ई ट्रिक क्या है आपके लिए? काला अयूब लालू अमेरिका हरा आंसू पिए है। तो इस लाइन के माध्यम से आप क्या याद कर लेंगे? जो पांच वलय हैं उन वलयों के रंग और उनसे संबंधित जो भी आपके क्या हैं, जो संबंधित आपके महाद्वीप हैं, उनको आप इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। काला अयूब तो पहला रंग, दूसरा रंग लालू अमेरिका, तीसरा रंग हरा आंसू, चौथा रंग और पीए से क्या है आपका? पांचवा रंग। तो पहला रंग जो है वो काला रंग है, और काला रंग किस देश, किस महाद्वीप से संबंधित है? अमेरिका से। दूसरा जो है आपका यहाँ पर यू से क्या हो गया? यूरोप हो गया। और बा से आप क्या कर लीजिए? ब्लू कर लीजिए, मतलब नीला रंग। तो यूरोप को कौन सा रंग प्रदर्शित करता है? ब्लू रंग प्रदर्शित करता है लालू अमेरिका। लाल रंग किस देश, किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? अमेरिका। सॉरी गलत हो रहा है, देखो यहाँ पर आपका काला जो रंग है वो किसको प्रदर्शित करता है? अफ्रीका को प्रदर्शित करता है। और जो नीला ब्लू रंग है वो किसको प्रदर्शित करता है? यूरोप को। लाल रंग जो है किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? अमेरिका को। हरा जो रंग का वलय है वो किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? ऑस्ट्रेलिया को। और पीला जो रंग है वो किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है आपका? एशिया को। तो इस तरह से आपका काला रंग, लाल रंग, नीला रंग, हरा रंग और पीला रंग, ये पांच वलय हैं, पांच छल्ले हैं आपके जो ओलंपिक ध्वज है, और पांच महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं। काला रंग तो ये आसानी से याद हो जाएगा, अंध महाद्वीप किसको कहते हैं? अफ्रीका को कहते हैं काला रंग। लाल रंग तो लालू अमेरिका, अमेरिका को प्रदर्शित करता है लाल रंग।
कितने पदक जीते हैं? चलिए इसको हम लोग आपको कंफर्म करके क्लियर करके बताएंगे। इस पॉइंट्स को हमने नहीं देखा है तो देख के आपको बता देंगे। वैसे ऐसा कोई क्वेश्चन आपका बनना नहीं है, बट चलिए हम क्लियर करेंगे आपके पॉइंट नेक्स्ट डे में। फिर है आपका काला रंग, लाल रंग, फिर नीला रंग। जो नीला रंग है वो किसको प्रदर्शित करता है? आपका यूरोप को। हरा रंग जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया को प्रदर्शित करता है। और जो पीला रंग है वो किसको प्रदर्शित करता है? आपका एशिया को। इस तरह से आपकी ट्रिक आपके काम आ सकती है अगर थोड़ा सा आप याद रखेंगे। अगर अफ्रीका पूछा तो काला अयूब, नीला पूछा तो यूब में आपका क्लियर होगा, ब्लू यूरोप, लालू अमेरिका तो लाल रंग अमेरिका को, हरा आंसू ऑस्ट्रेलिया तो हरा रंग, और पिए तो पीला रंग एशिया को। अब क्या करेंगे हम लोग, 15 प्रश्नों की एक क्विज करने वाले हैं। तो कितने, 13 लोग जुड़े हुए हम लोगों के साथ में। चलिए अच्छी बात है, कुछ लोग क्लास लेकर के जा चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हो सकता है नेट ना चल रहा हो या जैसा भी हो, तो क्लास जो लोग रेगुलर देखें भैया पूरी क्लास देखें, क्योंकि कुछ डिस्क्रिप्शन जो आपके काम आने वाला है, कुछ नए पॉइंट्स मिलेंगे, कुछ पुराने पॉइंट रिवाइज होंगे। और इसके बाद प्रश्नों को भी जरूर देखें, क्योंकि उससे आपका रिवीजन होना है कि आप कितना सीख पाए अभी तक। और यदि आपके कोई सुझाव हो तो आप क्लास एंड होने के बाद में कमेंट कर सकते हैं। कोई अगर प्रॉब्लम आपको लगती है कि सुधार किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो बिल्कुल उसको हम मानेंगे आपके सुझाव को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के 15 प्रश्नों को। आज के लिए पहला प्रश्न आपके सामने, ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रतिवर्ष कितने अंतराल पर किया जाता है? तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन हो गया, 6 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष। तो इसका क्या सही आंसर होगा? आंसर आने स्टार्ट हो गए आप लोगों के। शिवांगी जी, मधुलिका जी, वंश जी, लक्ष्मी जी, प्रियंका जी के भी आंसर आ चुके हैं, दिव्या जी ने भी आंसर कर दिया है। कोई बात नहीं है, जिन लोगों का नेट प्रॉब्लम करता है वो लोग ग्रुप में पीडीएफ शेयर की जाएगी, उससे आप हेल्प ले सकते हैं और बाद में भी आप क्लास को देख सकते हैं जब आपका नेट सही चले। कल्पना जी, रुद्र जी और अनामिका जी, सभी लोगों के आंसर बिल्कुल सही है भैया, बहुत अच्छी बात है। सबने बहुत अच्छे से पढ़ा है और क्वेश्चन भी बहुत आसान है। तो बिल्कुल, जो ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रतिवर्ष कितने वर्ष के अंतराल पर किया जाता है? 4 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्राचीन ओलंपिक खेल कब हुए? 776 ईस्वी, 773 ईस्वी, 394 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या आंसर होगा आपको ये बताना है। प्राचीन ओलंपिक खेल कब हुए? आंसर आना स्टार्ट हो गए आप लोगों की। शिवांगी जी और आदित्य जी के आंसर आ चुके हैं, वंश का भी आंसर आ चुका है। कंफर्म बताइएगा अनामिका जी, शायद से काम नहीं बन पाएगा। प्रियंका जी, अनामिका जी, मधुलिका जी, लक्ष्मी जी, कल्पना जी के आंसर आ चुके हैं, रुद्र जी का भी आंसर आ चुका है, दिव्या जी ने भी आंसर दे दिया है। तो सभी लोगों ने बहुमत में आंसर दिया है और सभी लोगों का यहाँ पर आंसर गलत हो रहा है। आरती जी का भी आंसर आ चुका है, बिल्कुल गलत आंसर है ए। तो ये ब्रह्मास्त्र साबित हो गया आपके लिए। ये पॉइंट जब हमने टॉपिक पढ़ाया था तो आपको कई बार बताया था, लेकिन आपने उन चीज़ों को नहीं ध्यान रखा। और इस तरह से अगर आप करेंगे तो फिर आपकी एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत होने के चांसेस पूरे पूरे रहेंगे। तो जहाँ पर आपको 1 या 2 नंबर मिल रहे होंगे वहाँ पर आपके माइनस हो जाएंगे, बिल्कुल डी होगा। तो यहाँ पर हमने कहा था कि कभी भी ये क्वेश्चन आए तो आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखनी है, 776 ईस्वी और 776 ईसा पूर्व। एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन बनेगा तो ये दोनों ऑप्शन में होगा, एक 776 ईस्वी होगा और एक 776 ईसा पूर्व होगा। तो ये आपको याद रखना है, ईसवी और ईसा पूर्व में वही अंतर है जो आपके सर और पैर में है। तो अगर आपको कहा जाए कि भैया सर पैर के बजाय सर पे चलो तो चल पाओगे क्या आप? तो बिल्कुल अच्छे से याद रखना कि ईसवी और ईसा पूर्व में वही अंतर है जो आपके सर और पैर में है, जस्ट उल्टे होते हैं ये। तो 776 ईस्वी का मतलब है ईसा मसीह के जन्म के 776 साल बाद,
जबकि प्राचीन ओलंपिक खेल जो हुए थे ये 776 BC में हुए थे, इसीलिए हमने हिंदी में भी लिखा था ईसा पूर्व। बीसी का अर्थ होता है ईसा पूर्व, इसको हम लोग इंग्लिश में बोले तो बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं। ये आपको वर्ड पता होने चाहिए क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। बीसी का अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट, और जो आपका एडी होता है उसका अर्थ होता है आपका एम डोमिनो। तो ये दोनों वर्ड आपको याद रखने हैं, बीसी और एसी। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट और एडी का मतलब एमनो डोमिनो या आफ्टर डोमिनो, इसका मतलब होता है जन्म के बाद या अवतरण के बाद, और बीसी बिफोर क्राइस्ट मतलब क्राइस्ट से पहले। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका सही आंसर होगा 776 ईसा पूर्व। अगर ऐसा कोई आंसर मिलता तो आपका सही होता। तो कोई बात नहीं है, गलतियाँ यहाँ पर हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके एग्जाम में ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आधुनिक ओलंपिक खेलों के जन्मदाता हैं कौन है भैया? फादर डिडोन, डिमेट्रियस, कोबर्टिन या थियोडोसिस? तो कौन है भैया जिसने आधुनिक ओलंपिक खेलों को प्रारंभ किया, आपको कमेंट करके बताना है। आंसर आने स्टार्ट हो गए आप लोगों के। मधुलिका जी, सलोनी जी, आरोही जी। आरोही जी आपकी क्लास डेली रहेगी, बिल्कुल ऐसा ना लगे कि क्लास नहीं है। अगर क्लास नहीं होगी तो पहले से आपको बता दिया जाएगा। कल्पना जी और लक्ष्मी जी के भी आंसर आ चुके हैं। अनामिका जी ने भी आंसर दे दिया है। बहुत ज़्यादा वेरिएशन है आंसर्स में, क्या प्रॉब्लम है? अंश जी, प्रियंका जी और रुद्र जी के भी आंसर आ चुके हैं। तो भैया आधुनिक जो ओलंपिक खेल हैं उनके जन्मदाता कौन थे आपके? बैरोन पियरे डी कोबर्टिन। तो बैरोन पियरे डी कोबर्टिन हैं जिन्होंने क्या किया था आपका, आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रारंभ किया था। कब किया था? 1896 में पहले ओलंपिक आधुनिक खेल हुए थे, और 1894 में इन्होंने एक संस्था की स्थापना करी थी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना करी पियरे डी कोबर्टिन ने, और आधुनिक ओलंपिक के जो जन्मदाता हैं वो आपके कौन हैं? आधुनिक ओलंपिक खेलों के जन्मदाता हैं पियरे डी कोबर्टिन। अब यहाँ पर जो फादर डिडोन हैं, फादर डिडोन ने क्या दिया था भैया? उद्देश्य दिया था ओलंपिक खेलों का। और जो डिमेट्रियस हैं, डिमेट्रियस जो थे ये आपके क्या थे? पहले अध्यक्ष थे आधुनिक ओलंपिक जो समिति, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसके अध्यक्ष जो पहले अध्यक्ष थे डिमेट्रियस थे। और थियोडोरस जो थे इन्होंने क्या करा था, प्राचीन ओलंपिक खेलों को बंद किया था, ये रोम के राजा थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आधुनिक ओलंपिक खेल हुए कहाँ पर हुए भैया? एंटवर्प में, बर्लिन में, टोक्यो में या एथेंस में? तो आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ पर हुए आपको ये बताना है। आप लोगों के आंसर आना स्टार्ट हो गए हैं। सलोनी जी और लक्ष्मी जी के आंसर आ चुके हैं। कल्पना जी, आरोही जी के भी आंसर आ चुके हैं। मधुलिका जी, शिवांगी जी और अनामिका जी के भी आंसर आ चुके हैं। प्रियंका जी और अनुराग जी के भी आंसर आ चुके हैं। मैनल जी ने भी आंसर दे दिया, और दिव्या जी का भी आंसर आ चुका है। बहुत ज़्यादा वेरिएशन है आज आंसर्स में, क्या प्रॉब्लम है? तो हमें लगता नहीं कि आज का टॉपिक अच्छे से आप लोग पढ़ पाए या समझ में आया, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम रही आज। रुद्र जी और वंश जी के भी आंसर आ चुके हैं। तो भैया अगर आपसे कभी भी पूछा जाए, चलिए क्लियर कर लेते हैं इस प्रश्न को, आधुनिक ओलंपिक खेल या फिर प्राचीन ओलंपिक खेल, तो दोनों की जगह सेम है। चाहे आधुनिक ओलंपिक खेल कहे या फिर आपसे प्राचीन ओलंपिक खेल कहे, तो दोनों ही खेल कहाँ पर हुए थे आपके, किस देश में अगर पूछा जाए, तो ग्रीस या यूनान में। चाहे आधुनिक ओलंपिक खेल हों या प्राचीन ओलंपिक खेल हों, तो जिन लोगों के आंसर गलत हुए हैं कोई बात नहीं है,
तो वो लोग अच्छे से समझ लें इनको एक एक क्वेश्चन में। तो आधुनिक ओलंपिक खेल ग्रीस या यूनान में हुए थे, और जो राजधानी है उसकी एथेंस है, तो एथेंस में हुए थे। प्राचीन ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व में, और आधुनिक खेल जो हैं वो कब हुए थे, 1896 में हुए थे। तो आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में, और प्राचीन ओलंपिक खेल जो है वो 776 BC में हुए थे। तो इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है, दोनों के दोनों ओलंपिक खेल, चाहे प्राचीन ओलंपिक खेल कहे या फिर आधुनिक ओलंपिक खेल कहे, दोनों के दोनों खेल कहाँ पर हुए थे, आपके एथेंस में हुए थे। मीराबाई चानू भैया कमेंट करें कहाँ की है। तो क्वेश्चन पूछा जाए मीराबाई चानू के बारे में। बिल्कुल आरोही जी, क्लासेस जो हैं वो हम दो लोग लेते हैं, एक शिवम सर लेते हैं, वो आपकी मैथ रीजनिंग या स्ट्रेटजी की क्लास लेते हैं, और टॉपिक वाइज जो GS है वो क्लास हम लेंगे। और ये क्लासेस आपकी अल्टरनेट होती हैं, एक दिन शिवम सर क्लास पढ़ाते हैं और सेकेंड डे हम क्लास पढ़ाते हैं। जैसे कल उन्होंने पढ़ाई थी तो आज हम पढ़ा रहे हैं, फिर कल वो पढ़ाएंगे, फिर नेक्स्ट डे हम पढ़ाएंगे, तो इस तरह से आपका चलता है। तो ये आपकी अल्टरनेट क्लासेस चलती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, आज समय काफ़ी हो चुका है, तो फटाफट से क्वेश्चन खत्म करते हैं हम लोग। ओलंपिक ध्वज में वलय किसे प्रदर्शित करते हैं, जो ओलंपिक ध्वज में वलय हैं वो किसे प्रदर्शित करते हैं, देशों को, महाद्वीपों को, ग्रहों को या महासागरों को। ओलंपिक ध्वज में जो वलय हैं वो किसे प्रदर्शित करते हैं। आप लोगों के आंसर आना स्टार्ट हो गए हैं, मधुलिका जी, मैनल जी, शिवांगी जी, लक्ष्मी जी, प्रियंका जी के भी आंसर आ चुके हैं। रुद्र जी और कल्पना जी के भी आंसर आ चुके हैं। तो ओलंपिक ध्वज में जो वलय हैं, जो छल्ले हैं भैया, सभी को पता होगा किसको प्रदर्शित करते हैं, आपके महाद्वीपों को। छल्लों की संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो 5 है, और महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। 1896 से प्रारंभ होने के बाद कितनी बार ओलंपिक खेल नहीं हो सके, 0, 2, 3 या 5। तो प्रश्न है आपका, 1896 से जब से प्रारंभ हुए आपके ओलंपिक खेल कितनी बार नहीं हो सके हैं। आंसर आने स्टार्ट हो गए आप लोगों के, शिवांगी जी, मधुलिका जी, लक्ष्मी जी, अनामिका जी, दिव्या जी के आंसर आ चुके हैं, मैनल जी ने भी आंसर दे दिया है। तो भैया सभी लोगों को क्लियर होगा, 1896 से प्रारंभ होने के बाद 3 बार ऐसा हुआ जब आपके ओलंपिक खेल नहीं हो सके। 3 कारण, 3 बार हुए, 2 कारण थे। एक बार पहला जो आपका विश्व युद्ध चल रहा था 1916 में नहीं हो पाए, इसके बाद जो है आपका 2 बार नहीं हो पाए 1940 और 1944 में। तो ये तीनों सन आपको याद रखने हैं, और कारण क्या है आपके, विश्व युद्ध, एक बार प्रथम विश्व युद्ध और 2 बार द्वितीय विश्व युद्ध। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा कि जो आपके प्रारंभ होने के बाद 3 बार ओलंपिक खेल नहीं हो सके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रथम ओलंपिक खेल में स्पर्धाओं की संख्या कितनी थी, तो कितनी स्पर्धाएं हुई थी, 43, 14, 245 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या सही आंसर होगा, पहले ओलंपिक खेल से आपका क्वेश्चन बन रहा है। आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं आप लोगों के, शिवांगी जी, मधुलिका जी, कल्पना जी, अनामिका जी, सलोनी जी का भी आंसर आ चुका है, लक्ष्मी जी और दिव्या जी के भी आंसर आ चुके हैं। तो क्लियर करेंगे इस प्रश्न को। तो स्पर्धाओं की संख्या, स्पर्धाएं क्या होती हैं, जितने खेल सम्मिलित किए गए। तो पहले ओलंपिक खेल में हमने आपको 3 संख्याएं बताई थी, खिलाड़ी की संख्या, देशों की संख्या और स्पर्धाओं की संख्या। तो सबसे पहली जो चीज होगी आपकी,
तो सबसे पहली जो बात है आपकी खिलाड़ियों की संख्या, तो खिलाड़ियों की संख्या देशों की संख्या और स्पर्धाओं की संख्या। तो सबसे कम संख्या जो होगी आपकी वो देशों की होगी, वो यहाँ पर ऑप्शन है इसलिए आपके बन सकते हैं, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम में जब ये क्वेश्चन बनेगा तो उसमें सेम को संख्याएं दी होंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो भैया देशों की संख्या जो थी वो 14 थी, स्पर्धाओं की संख्या फिर खिलाड़ियों की संख्या। तो देशों की संख्या 14 थी और खिलाड़ियों की संख्या कितनी थी, 245। और इसके बाद में आपकी जो स्पर्धाओं की संख्या थी वो कितनी, 40 थी। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका 43 हो जाएगा। प्रथम ओलंपिक खेल में स्पर्धाओं की संख्या जो थी वो कितनी थी आपकी, 43 थी। देशों की संख्या 14 थी और खिलाड़ियों की संख्या 245 थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा 43 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओलंपिक ध्वज में उपस्थित रंग के वलय हैं, काला, पीला, बैगनी, नारंगी। तो इसका क्या सही आंसर होगा, केवल एक, एक और दो, एक और चार, एक दो और तीन। तो ओलंपिक ध्वज में किस किस रंग वाले उपस्थित हैं, यहाँ पर आपको चार ऑप्शंस में से चूज करके बताना है। आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं आप लोगों के, वंश जी, शिवांगी जी, अनामिका जी, शलोनी जी, मैनल जी, कल्पना जी, मधुलिका जी। बहुत अच्छी बात है भैया, आप लोग ऐसे क्वेश्चन भी अच्छे से हल कर पा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है और आप लोगों के सेम आंसर आ रहे हैं, ये अच्छी बात है। तो ओलंपिक ध्वज में पांच रंग के वलय उपस्थित हैं, नहीं है इनमें, नारंगी नहीं है इसमें, काला है और पीला है। मतलब आंसर सही क्या होगा, एक और दो, बिल्कुल सही आंसर दिया जा रहा है। तो यहाँ काला और पीला मतलब ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑल्टियस शब्द का अर्थ है क्या है भैया, ऊंचा, तेज, प्रबल या बलवान। तो आरटीएस शब्द का क्या अर्थ है आपको ये बताएं इस प्रश्न में। आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं आप लोगों के, आरोही जी, शिवांगी जी, मधुलिका जी, कल्पना जी, सलोनी जी के आंसर आ चुके हैं। तो तीन शब्द थे आपके, कौन कौन से थे भैया, एक आरटीएस शब्द था, एक फोर्टीएस शब्द था और एक क्या था आपका, सिटियस। तो दो शब्दों की हमने ट्रिक बता दी थी, तो उन ट्रिक के माध्यम से आप तीसरा शब्द अपने आप निकाल लेंगे। तो सिटियस शब्द था, इसको सीटी से याद रखेंगे, सीटी को कैसे बजाते हैं, तेज बजाते हैं, तो सिटियस का अर्थ क्या हो जाएगा, तेज। और एक शब्द था फोर्टियस, तो फोर्टियस मतलब फोर्ट, फोर्ट कैसा होता है, किला, किला कैसा बनाएंगे, मजबूत, बलवान। तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, और प्रबल कोई शब्द था नहीं, इसका अर्थ क्या हो जाएगा आपका, ऊंचा। तो ऑल्टियस शब्द का अर्थ क्या होता है आपका, ऊंचा होता है, और तीनों हमने रिवाइज भी करा दिया आपको, तो कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओलंपिक खेल में महिलाओं की भागीदारी प्रारंभ हुई, तो कौन से ओलंपिक खेल थे जिसमें आपके महिलाओं की भागीदारी प्रारंभ हुई थी, 1900, 1896, 1920 या 1924। आंसर आना स्टार्ट हो गए आप लोगों के, कल्पना जी, शिवांगी जी, लक्ष्मी जी, सलोनी जी। अनामिका जी और वंश जी के आंसर आ चुके हैं। तो ओलंपिक खेल में महिलाओं की भागीदारी, तो कौन से ओलंपिक थे, इसको आप कैसे याद रखेंगे, पहले ओलंपिक खेल जो हुए थे 1896 में हुए थे, और दूसरे ओलंपिक खेल इसके 4 साल बाद 1900 में हुए थे। तो पहले ओलंपिक खेल में महिलाएं नहीं शामिल करी गई थी, उन्होंने बहुत लड़ाई करी, बहुत झगड़ा करा, और उन्होंने क्या करा भैया, धरना वरना दे दिया। तो जिस इसके बाद जो अगले ओलंपिक खेल हुए थे उसमें महिलाओं को शामिल कर लिया था। तो इस तरह से आप एक कहानी को माइंड में रख के कि भैया पहली बार जब कहीं महिलाओं को शामिल नहीं किया गया तो वो लड़ी झगड़ी और उन्होंने क्या किया, ज़बरदस्ती अपने आप को शामिल करवाया। तो अगले ओलंपिक खेल जो हुए थे 1900 में, उन ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी हुई थी। तो यहाँ जो सही आंसर है वो कौन सा है आपका, 1900। और ये ओलंपिक खेल कहाँ पर हुए थे यदि आपसे ये पूछा जाए, तो ये आपके पेरिस में हुए थे। तो पहले ओलंपिक खेल एथेंस में हुए थे, जबकि जो दूसरे ओलंपिक खेल हैं 1900 के जिसमें महिलाओं की भागीदारी हुई थी वो आपके पेरिस में हुए थे। ओलंपिक खेल में महिलाओं की भागीदारी दूसरे ओलंपिक से हुई थी, और दूसरा ओलंपिक कब हुआ था, 1900 में हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की गई कहाँ और कब की गई, ये आपको बताना है।
तो आंसर करें भैया अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना। आंसर आने स्टार्ट हो गए आप लोगों के, शिवांगी जी, प्रियंका जी, मैनल जी, कल्पना जी, दिव्या जी, सलोनी जी, लक्ष्मी जी, अनामिका जी, सभी लोगों के आंसर आ चुके हैं। तो इसमें दो ऑप्शन, दो चीज़ें बन जाएंगी, एक थी स्थापना और एक था मुख्यालय। तो इसका मुख्यालय लुसानवे में है, जबकि इसकी जो स्थापना की गई थी कहाँ पर की गई थी, हमने आपसे बताया था, ध्यान रखिएगा, सखोन में। तो सखोन में इसकी स्थापना हुई थी, जबकि इसका जो मुख्यालय वो लुसाने में है। तो मुख्यालय पूछा जाए तो लुसाने और स्थापना सखोन। तो कब की गई थी भैया, 1896 में पहले ओलंपिक खेल हुए थे, इससे 2 साल पहले, कहाँ पर, 1894 में, कहाँ पर, सखोन में। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना सखोन में 1894 में की गई थी, और इसके संस्थापक जो थे वो पियरे डी कोबर्टिन थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हरा ओलंपिक वलय किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है, अफ्रीका को, ओशिनिया को, यूरोप को या एशिया को। तो क्या आंसर यहाँ पर सही हो सकता है, आपको कमेंट करके बताना है। आंसर आने स्टार्ट हो गए आप लोगों के, शिवांगी जी, मधुलिका जी, अनामिका जी, प्रियंका जी के आंसर आ चुके हैं। सलोनी जी का भी आंसर आ चुका है। तो भैया सभी को आंसर कंफर्म है, हमने तो सोचा तो शायद इस प्रश्न में कुछ कंफ्यूजन होगा लोगों को, लेकिन किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने या तो पढ़ाई अच्छे से पहले से कर रखी है या फिर ट्रिक आपको पसंद आ गई है। तो अफ्रीका जो है काले रंग के वलय को, काले रंग का वलय अफ्रीका को प्रदर्शित करता है, यूरोप के लिए नीला या ब्लू रंग का जो वलय है वो प्रदर्शित करता है, और एशिया को पीले रंग का वलय प्रदर्शित करता है। तो बचा कौन सा आपका हरे रंग के लिए, ओशेनिया, क्योंकि हरे रंग का जो वलय था वो किसको, ऑस्ट्रेलिया को प्रदर्शित करता था, और ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है, तो इसको हम लोग ऑस्ट्रेलिया ओशेनिया भी कहते हैं। तो इसमें कभी कंफ्यूज मत होना, जो हरा रंग का वलय है वो किस रंग को, ऑस्ट्रेलिया ओशेनिया को प्रदर्शित करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना की गई 1920 में, 1922 में, 1924 में, 1926 में। तो भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब की गई थी, आपको आंसर करना है भैया। आंसर आने स्टार्ट हो गए आप लोगों के, आरोही जी, सलोनी जी, मैनल जी, आंसर आ चुके हैं आप लोगों के, लक्ष्मी जी, दिव्या जी, ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया एक सिंगल महाद्वीप नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के साथ ओशेनिया भी जुड़ जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया ओशेनिया महाद्वीप को प्रदर्शित करता है वो। ये पॉइंट हम शुरू में ही बता सकते थे, लेकिन हमने इसलिए नहीं बताया था, हमने सोचा था क्वेश्चन में कंफ्यूज करेंगे, तो इस पॉइंट को आप चाहें तो ऐड कर लीजिएगा कि जो हरा रंग है वो ऑस्ट्रेलिया ओशेनिया महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रश्न का क्या सही आंसर होगा, आप लोगों को पता होगा भैया, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना जो है आपकी वो कब की गई थी, 1924 में की गई थी। तो 1924 में भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना की गई थी, 1920, 1924, 1928, 1936 और 1968, ये ऐसी डेटें हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद कर लेनी है, क्यों हमें नहीं पता है ना, तो इसको ध्यान कर लीजिएगा भैया, याद कर लीजिएगा, इससे आपकी आने वाली परीक्षाओं में आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओलंपिक शुभंकर होता है इंसान आकृति का, जानवर आकृति का, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर सही है इसका, आपको आंसर करना है भैया। आंसर आने स्टार्ट हो गए आप लोगों के, आरोही जी, शिवांगी जी, मधुलिका जी, लक्ष्मी जी, कल्पना जी, सलोनी जी और अनामिका जी के आंसर आ चुके हैं, मैनल जी, अनुराग जी, आरती जी और दिव्या जी के भी आंसर आ चुके हैं। तो सभी को आंसर पता है, बहुत अच्छी बात है भैया। ओलंपिक शुभंकर जो होता है वो क्या होता है, या तो इंसान आकृति का होता है या फिर जानवर आकृति का होता है, मतलब इनमें से किसी भी आकृति का हो सकता है। और ये क्या करता है, किसी भी देश की सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करता है। इसकी जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी भैया, 1968 के ओलंपिक खेलों में
मैक्सिको से प्रारंभ हुआ था। तो ये आपको चीजें याद रखनी है जो आपकी परीक्षाओं में एग्जाम बन सकते हैं। बढ़ते हैं आज के लास्ट प्रश्न की ओर। तो दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को कौन सा पदक दिया जाता है? कांस्य पदक, स्वर्ण पदक, रजत पदक या प्लेटिनम पदक? ये जो बोल भी नहीं पा रहे हैं। तो सभी लोगों को आंसर क्लियर होगा भैया, इसके लिए तो आंसर नाम भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसलिए कोई बात नहीं है। सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही होने वाला है, इसमें किसी को कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, जानते हैं। तो प्रथम पदक जो प्रथम स्थान प्राप्त करता है उसको स्वर्ण, द्वितीय स्थान वाले को रजत और तृतीय स्थान वाले को हम लोग क्या देते हैं? कांस्य पदक प्रदान किया जाता है। तो बिल्कुल सही आंसर है सभी लोगों का, बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से आपकी आज की क्लास, फिर से जुड़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो जो अगली क्लास होगी आपकी, जो मेरी क्लास होगी, जैसा कि आपको अब तक कंफर्म हो चुका होगा, अल्टरनेट क्रम में क्लासेस चलती हैं, क्योंकि थोड़ा सा अपने काम भी रहते हैं इस कारण थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो आपको क्लासेस डेली मिलती रहेंगी, एक दिन शिवम सर क्लास लेंगे और एक दिन हम क्लास लेंगे। और बाकी आपको यदि कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी तरह की, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं इस समय, या फिर बाद में भी कमेंट कर सकते हैं क्लास के एंड होने के बाद में। फिर से जुड़ेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद प्रतियोगी साथियों।